Hi guys, welcome to my YouTube channel Commerce Group, and I'm your friend Harjot. And today we discuss integrated marketing communication. So aaj hum integrated marketing communication ke bare mein study karne wale hain. So let's get started. So aapko jaise naam se clear ho raha hai, integrated marketing communication. Integrated ka means hota hai unko integrate karna, jodna. Integrate karna, sabhi cheezon ko hum bolte hain integrate karna, matlab jodna unko. मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक मैसेज को दूसरे मैसेज, एक मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक जब पहुंचाया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है, संपर्क किया जाता है या फिर कांटेक्ट किया जाता है. ये कम्युनिकेशन के लिए मैक्सिमम टू पर्सन्स होते हैं, आपको पता है, जैसे और एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, तो वो कहलाएगा कम्युनिकेशन. इसमें मार्केटिंग कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब जो मार्केटिंग का मैसेज है, प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट किया जाता है. किससे? इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेटेड मींस मैनी टूल्स से. सो पहले हम इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे. IMC इज एन अप्रोच टू ब्रांड कम्युनिकेशन वेयर द डिफरेंट मोड्स वर्क टूगेदर टू क्रिएट अ सीमलेस एक्सपीरियंसेस फॉर द customer and are presented with a similar tone and style that reinforce the brand's core message. So kya hai isme meaning? Kehte IMC ek approach hai. Kiski hai? Brand communication ki. Kya kiya jata hai? IMC ke dwara kya kiya jata hai? Brand ka communication kiya jata hai, jahan pe different modes ya methods communication ke different channel ko use kiya jata hai. एक टाइम में किया जाता है, सिमिलर टोन, एक ही स्टाइल में, एक ही टोन में, और जो ब्रांड का मैसेज है, कोर मैसेज है, उसको पहुंचाया जाता है कस्टमर तक. सो ये क्या है, इसमें मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ. इंटीग्रेट मार्केटिंग कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, मीडिया हो गया या फिर इंटरनेट हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया, एडवर्टीजिंग हो गया, जो भी हैं कम्युनिकेशन के चैनल्स को एक साथ यूज़ किया जाता है, ताकि जो ब्रांड का कोर मैसेज है, लाइक आपके ब्रांड के बारे में लोगों को अवेयरनेस हो, उन्हें पता चलो, उन तक उस ब्रांड की इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए. सो यही है कि प्रोडक्ट का मैसेज, प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर तक या फिर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए सभी कम्युनिकेशन के चैनल्स का यूज़, इंटीग्रेटेड, एक ही टाइम पर सभी का कम्युनिकेशन मेथड्स का यूज़ किया जाता है. तो यह है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. लाइक अपने बिजनेस की ग्रोथ करना, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस एक्सपेंड करना या सेल्स को बढ़ाना, उसके लिए मार्केटिंग कम्युनिकेशन का करना ज़रूरी है. मैसेज है जो फाइनली जो प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कंज्यूमर तक पहुँचाना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स के द्वारा कंज्यूमर तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है. इंटीग्रेटेड में एक साथ मैनी चैनल्स को अडॉप्ट कर लिया जाता है, जैसे आप मीडिया में कब यूज़ कर रहे हो और आप डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर रहे हो, डोर टू डोर जाके भी कर रहे हो, और आप एडवर्टीजिंग भी कर रहे हो, और सो इस तरह अलग अलग चैनल्स का यूज़ करके आप कम्युनिकेशन करते हो कंज्यूमर तक. सो ये है इसका मीनिंग. टूल्स ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, वो कौन कौन सी टूल्स हैं या फिर चैनल्स हैं जिनके द्वारा हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किन किन चैनल्स को हम कंबाइंड करके उसका यूज़ कर सकते हैं अपने मार्केटिंग ग्रोथ के लिए, अपने प्रोडक्ट की मार्केट को बढ़ाने के लिए. सो मेनली मेरे पास इस टाइम 6 हैं जो मैंने स्टडी किए हुए हैं, मैं इनको वन वन आपको समझाऊंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टीजिंग. एडवर्टीजिंग आपने सुना होगा, एड्स आती हैं जो आप टीवी लगाते हैं उसमें एड्स आती हैं, रेडियो में एड्स आती हैं. सो एडवर्टाइजिंग है जो वो फर्स्ट टूल है इंटीग्रेट मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, अपने मैसेज को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने का. सो नॉन पर्सनल एंड पेड फॉर्म जो कम्युनिकेशन, ये एडवर्टीजिंग का है, वो नॉन पर्सनल है, वो फेस टू फेस नहीं होता है, वो नॉन पर्सनल मतलब हम फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं करते हैं, जस्ट ये हम दूर बैठे हुए हम एडवर्टीजिंग कर सकते हैं. एंड पेड फॉर्म एडवर्टीजिंग के हमें पेड फॉर्म में देना पड़ता है, मतलब लाइक हम अपने प्रोडक्ट की अगर कोई एडवर्टीजिंग करवा रहे हैं तो हमें पेड उसके बदले में पैसे देने पड़ते हैं एड कंपनीज को. इट रीच अ मास ऑडियंस एट वंस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम.
एडवर्टाइजिंग का ये एडवांटेज है कि मास ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को है जो कवर कर लेती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटे से जस्ट थोड़ा से टाइम में वो क्या करती है मास ऑडियंस को है जो वो अट्रैक्ट कर लेती है। एग्जांपल्स हैं प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर हो गया प्रिंट में आता है, मैगजीन्स आती हैं ठीक है, रेडियो हो गया रेडियो में जो एड्स आती हैं आप सुनते हो, किसी भी चीज़ की ऐड आती है तो रेडियो भी आई थिंक बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो सुनते हैं। बिलबोर्ड्स हो गए हैं, बिलबोर्ड्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्स होते हैं उसमें हो गया बिलबोर्ड्स बड़े बड़े लगे होते हैं जो, एंड टेलीविज़न, टेलीविज़न में एड्स आती हैं किसी भी सोप की होगी है, कोई डिटर्जेंट की होगी है या फिर कोई शैम्पू, एनी थिंग। सो ये है एडवर्टीजिंग। एडवर्टीजिंग क्या है, एक नॉन पर्सनल है और पेड फॉर्म है और ये मास ऑडियंस तक पहुँच जाती है थोड़े से टाइम के बदले में, ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँच जाता है, एंड सो इट्स एडवर्टीजिंग। सेकेंड टूल है पर्सनल सेलिंग, आपको नाम से क्लियर हो रहा है पर्सनल सेलिंग मतलब फेस टू फेस। सो इसमें क्या है, फेस टू फेस इंट्रैक्शन होती है पर्सनल में, फेस टू फेस हम डायरेक्ट कंज्यूमर से जाकर या एंड जो भी एंड में प्रोडक्ट को परचेज करता है उससे फेस टू फेस इंट्रैक्ट होते हैं, कन्विंसिंग द बायर टू परचेज द प्रोडक्ट। जब हम फेस टू फेस या डोर टू डोर जब पर्सनल सेलिंग करते हैं तो हम क्या बायर को कन्विंस कर सकते हैं कि वो इस प्रोडक्ट को परचेज करे, उस पर हम फोर्स कर सकते हैं लाइक उस पर प्रॉपर फोकस करके कि आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदो। फेस टू फेस आई थिंक इंट्रैक्शन ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन इंट्रैक्टिव है ना। सो ये है इसमें फेस टू फेस इंट्रैक्शन हो जाती है तो हम कन्विंस कर सकते हैं कि आपको इसे इसलिए ख़रीदना चाहिए। रिसॉल्व द इश्यूज ऑन स्पॉट, कई बार कोई प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, जो भी आते हैं उसको हम ऑन द स्पॉट ही सॉल्व कर सकते हैं क्या जो प्रॉब्लम अराइज होते हैं। इम्प्रोविजन हिज पिच, फोकस ऑन बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद एंड यूजर्स। और इसमें क्या है, हम कोई भी अगर कुछ लगता है कि इसमें ये सही नहीं, हम उस टाइम उसको उसी स्पॉट पर हम उसके बता सकते हैं, उसको इशू को उसको सॉल्व कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी रख सकते हैं हम उनके साथ एंड यूज़र के साथ, क्योंकि फेस टू फेस इंट्रैक्शन होती है जो वो ज़्यादा टाइम के लिए हमारे माइंड में माइंडसेट में बैठ जाती है, हम उसी से फिर उस प्रोडक्ट को लेना पसंद करते हैं। सो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, फेस टू फेस इंट्रैक्शन होती है, फेस टू फेस डायरेक्ट हम उसको कंज्यूमर को लाइक प्रोडक्ट के बारे में कन्वेंस कर सकते हैं कि उसे परचेज करें। थर्ड टूल ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, सेल्स प्रमोशन, ये इसका थर्ड टूल है। सेल्स प्रमोशन क्या है, एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव गिवन टू कंज्यूमर, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होता है जो कंज्यूमर को दिया जाता है, सम मॉनेटरी बेनिफिट्स भी बोल सकते हो इसको, अट्रैक्टिव ऑफर्स। इसमें सेल्स प्रमोशन में क्या है, सेल्स को प्रमोट किया जाता है किसी ब्रांड के, लाइक कोई ब्रांड है लेज है या फिर कोई भी चल रहा है, कोई डिटर्जेंट चल रहा है, सर्फ एक्सेल चल रहा है, रिन चल रहा है, सो उस पर अट्रैक्टिव ऑफर्स दी जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर है जो वो उस तक मैसेज पहुँचे ठीक है, वो उसको बाय करे। ऑफर्स कहती है कैसी होती हैं, लाइक डिस्काउंट, डिस्काउंट होता है मनी पे, जितनी पे करनी है उस पर कुछ 3% 5% डिस्काउंट दिया जाता है नेट प्राइस पर। प्रीमियम्स दिए जाते हैं उसमें एक्स्ट्रा, कुछ कंटेनर्स हो गए हैं कोई बॉक्स हो गया प्रीमियम में, एंड सैम्पल्स दिए जाते हैं फ्री सैम्पल यूज़ करने के लिए ताकि हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो। स्वीपस्टेक्स होते हैं लाइक छोटे छोटे कंटेस्टेंट्स में प्रतियोगिताएँ करवा के उनको लाइक छोटे छोटे ऑफर्स में कुछ प्राइजेस दिए जाते हैं, प्राइस पैक्स दिए जाते हैं, लो कॉस्ट फाइनेंसिंग दी जाती है, डील्स एंड रिबेट्स। रिबेट्स में क्या कुछ मनी रिफंड होते हैं दोबारा हमें वापस मिल जाती है। सो ये सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स हैं, वो भी इसमें आती हैं इंटीग्रेट मार्केटिंग कम्युनिकेशन में, ये इसका टूल है। एंड नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन में क्या है, मैनेजिंग रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द पब्लिक, रिलेशनशिप क्रिएट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के बीच में, डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं लाइक हम कोई प्रोडक्ट है लाइक कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रोड्यूस कर रही है ठीक है, वो डायरेक्ट क्या करती है पब्लिक से अपने रिलेशन बनाती है, उनके व्यू पॉइंट क्या है किसी प्रोडक्ट को लेकर, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या, उनकी नीड्स क्या, उसको देखा जाता है। सो कम्युनिकेशन वेयर द पब्लिक शेयर्स देयर फीडबैक टू द ऑर्गेनाइजेशन,
वहाँ पे पब्लिक रिलेशनशिप बनाया जाता है, जहाँ पे जो पब्लिक है, जहाँ की पब्लिक है वो फीडबैक देती है ऑर्गेनाइजेशन को कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर ये प्रोडक्ट हमारे लिए सेटिस्फाई नहीं है। सो फीडबैक मिलती है बदले में पब्लिक रिलेशन में, क्रिएट गुडविल इन द मार्केट। अगर आप पब्लिक रिलेशन बनाती है कोई ऑर्गेनाइजेशन तो मार्केट में क्या उसकी गुडविल अच्छी बनती है कि वो पब्लिक को ध्यान में रख के उनको प्रॉपर उनकी नीड्स को जानकर फिर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। सो इससे क्या गुडविल भी क्रिएट होती है मार्केट में, अच्छी इमेज बनती है उस ऑर्गेनाइजेशन की। लाइक प्रेस रिलीजेज हो गया, पब्लिक अपीयरेंसेज हो गया, इवेंट्स, स्पॉन्सरशिप, न्यूज़ एसेट्रा। सो प्रेस रिलीज आपने देखा होगा कि डायरेक्टर मीडिया बुलाई होती है, वो पब्लिक के द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को उनके आगे रखते हैं, उनके व्यू पॉइंट जानते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट को क्यों लॉन्च किया गया। सो ये पब्लिक अपीयरेंसेज होती हैं, इवेंट्स किए जाते हैं, बहुत सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्पॉन्सरशिप दी जाती है, न्यूज़। सो ये सभी क्या पब्लिक से रिलेशनशिप बनाने के कुछ मेथड्स हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़, फिफ्थ वन इज़ डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग और एक था अपना क्या था वो सेल्स, रिलेटेड दो थे टेक्निक्स, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग। ये दोनों डिफरेंट हैं। पर्सनल सेलिंग में हम डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्ट होते हैं, बट डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। डायरेक्ट मार्केट है जो सबसे पुरानी कम्युनिकेशन की टेक्निक है, डायरेक्टली कम्युनिकेट विद एंड यूजर, जिसमें हम डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं एंड यूजर से थ्रू ईमेल्स, टेलीफोन्स, फैक्स, टेक्स्ट मैसेज, कैटलॉग, ब्राउशर्स। इसमें क्या हम जरूरी नहीं है कि फेस टू फेस मिलेंगे, हम मे बी ईमेल्स भी कर सकते हैं डायरेक्ट उनको, अपने एंड यूज़र को, टेलीफोन पे भी हम उनसे बात कर सकते हैं, फैक्स भी भेज सकते हैं उन्हें, टेक्स्ट मैसेज भी कोई इनबॉक्स के द्वारा हम भेज सकते हैं, कैटलॉग्स भी हो सकते हैं, ब्राउशर्स भी दे सकते हैं हम अपने किसी भी चीज़ के जो हमें सेल करनी है। सो नो इंटरमीडियरीज, इसमें क्या कोई लाइक मिडल मैन या इंटरमीडियरीज, ब्रोकर्स की ज़रूरत, एजेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे हम डायरेक्ट सेल करते हैं। डायरेक्ट अगर कोई न्यू प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हुआ है, हम ईमेल से इन्फॉर्म कर देंगे या टेलीफोन कर देंगे, फैक्स कर देंगे, मैसेज भी कर सकते हैं उनको, ब्राउशर भी उन तक पहुँचा सकते हैं। सो हम ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट एंड यूज़र तक अपना कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे रिलेशनशिप उनसे अच्छे हो, और कोई इंटरमीडियरीज को हम इसमें एंटर नहीं होने देंगे। बस एक ऑर्गेनाइजेशन होएगी और एक एंड यूज़र होएगा, बट जो मीडिया वो यूज़ करेगा, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, वो ईमेल होगा, टेलीफोन होगा, फैक्स होगा, टेक्स्ट मैसेज, कैटलॉग, ब्राउशर, ये सब होंगे। सो डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या, डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा एंड यूज़र के साथ। एंड लास्ट वन इज़ इंटरनेट मार्केटिंग। मार्केटिंग थ्रू मोबाइल फोन ऐप्स, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग एंड अदर डिजिटल मीडियम। सो इंटरनेट मार्केटिंग को हम डिजिटल मार्केट भी बोल सकते हैं। रिसेंटली इतनी इंटरनेट की ग्रोथ हो चुकी है कि मार्केटिंग भी अब इंटरनेट से होती है। सो इसमें इंटरनेट मार्केटिंग में क्या है, ऐप्स होती हैं जो फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में एक ऐप बनी होती है, ठीक है, लाइक मार्केटिंग की बोल सकते हो आप। सो उसमें वहाँ पे मार्केटिंग की जाती है, लाइक अमेज़ोन हो गया, ठीक है, और कितनी आपकी अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, एंड काफ़ी ज़्यादा ऐप्स इस टाइम आ चुकी हैं मार्केट में जिससे हम इंटरनेट मार्केटिंग, हम इंटरनेट के द्वारा हम अपनी चीज़ों को सेल परचेज कर सकते हैं, वो एलेक्स पे हम अपनी चीज़ों को खुद की सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। सो ये क्या इंटरनेट मार्केट में एक ऐप्स होती हैं जिसको यूज़ करके हम अपने डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं बायर्स और मैन्युफैक्चरर, ठीक है। इसमें क्या फास्ट मीडियम, इसका बेनिफिट क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट मीडियम है, ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ता है और 24 आवर्स अवेलेबल है, ये कोई टाइमिंग नहीं है इसकी, वीकली 7 डेज 24 आवर्स अवेलेबल, मैनी ऑप्शन आर अवेलेबल। इंटरनेट मार्केटिंग में क्या है, कंज्यूमर के पास मैनी ऑप्शन आ जाते हैं बिकॉज वो सभी साइट्स में जाके देखता है जहाँ पे उसे ब्रांड अच्छा मिल रहा है और कुछ बजट भी हो रहा है उसके बजट के अंडर है, कुछ जहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है वो वहाँ से लेना परचेज प्रेफर करेगा। सो उसके ऑप्शन क्या, उसकी इंक्रीज हो जाती हैं। लार्ज बायर, इंटरनेट मार्केटिंग में क्या हमारे पास बायर है वो ज़्यादा प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बायर, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल मतलब सारे वर्ल्ड में हमारे प्रोडक्ट की सेल हो सकती है। सो ऐसे नहीं है कि ओनली वन एरिया में होगी, इंटरनेट की हेल्प से हम कहीं बैठे हम अपनी प्रोडक्ट को फॉरेन में भी सेल कर सकते हैं। सो इंटरनेट मार्केटिंग भी क्या है, इंटीग्रेट मार्केटिंग कम्युनिकेशन का ही एक टूल माना जाता है, इंटरनेट के द्वारा अपनी प्रोडक्ट की कम्युनिकेशन करना, मार्केटिंग करना।
So that's all about my today topic. If you like my video, please like, share, subscribe my channel. और वीडियो को आगे से आगे शेयर करना ना भूलें. बाय बाय.